Hello friends, welcome to our channel. In our gardening experience में तो आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरी मम्मी के गार्डन के क्रिजेंथेमम के प्लांट्स, जो इसके अपडेट रहेगी। और ये आप देख रहे हैं कि गार्डन में कितने हेल्दी क्रिजेंथेमम के प्लांट खिले हुए हैं। ये देखो, सिर्फ दो प्लांट को ही फूल खिल रहे हैं, बाकी के तो सभी बर्ड्स निकल गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने बर्ड्स आए हैं। और ये क्रिजेंथेमम हर साल ही ऐसे खिलते हैं यहाँ पे। और ये जो है येलो और वाइट का दिख रहा है प्लांट, इसको फूल आए हैं। ये तो पुराना पूरा प्लांट ही पुराना है, मतलब न्यू छोटा प्लांट लेके बनाया नहीं है, लगाया नहीं था। ये पुराना जो प्लांट था पिछले साल का, उसे ही आ गए हैं फूल। तो बाकी के सब आपको जो दिख रहे हैं तो वो न्यू ग्रोथ वाले हैं, मतलब जून में छोटे छोटे पौधे लगाए थे, लेकिन ये दोनों पुराने हैं। ये देखो, ये बड़े वाले क्रिजेंथेमम है। बाकी के फूलों की साइज शायद छोटी होगी, एक दो बड़े होंगे और बाकी के छोटे हैं और अलग अलग कलर के हैं। देखो कितने बर्ड्स आए हैं, बहुत ही कलियाँ खिलेंगी। और हर साल ही ऐसे आते हैं, हाइट भी ऐसी ही बढ़ती है उसकी। और ये सब है कंपोस्ट की वजह से। ये रहा नेक्स्ट। इस पॉट में दो कलर के हैं क्रिजेंथेमम के प्लांट, और ये एक, तो यहाँ पे ये पिंक वाला है, एक ऑरेंज वाला, एक येलो वाला है, वाइट भी है। इसमें दो दो से तीन है कलर। ये देखो, ये अलग पत्ते दिख रहे हैं, और शायद ये ऑरेंज वाला है। और एक मिक्स जो है येलो और रेड वाला, वो भी है मिक्स कलर, जिसके पेटल मिक्स कलर के आएगी, येलो और रेड वाली, वो भी है। और आप देख सकते हैं सभी प्लांट को एकदम पूरे भर भर के कली आ गई है, पूरा बुशी हो गया है। तो इनको पिंचिंग की थी सभी को। ये देखो कितने बर्ड्स आ गए। और बहुत ही भर भर के कली आ गई है इसमें। देखो बहुत बुशी हो गया है ये प्लांट। ये देखो सभी प्लांट ऐसे ही है। एक पौधे को, मतलब एक प्लांट को 100 या 200 कलियां होगी, और जब फूल खिलेंगे तो इतना सुंदर लगता है पूरा, इसलिए एक लाइन में रख दिए हैं। और दो चार पॉट जो है क्रिजेंथेमम के, वो थोड़े अलग साइड में भी है। और सभी पॉट आप देखेंगे थोड़े बड़े साइज में है, उनको मिट्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा मिली है। और खाद जो होता है, गोबर खाद जो इसमें ऑलरेडी था मिट्टी में, तो इसकी वजह से ये आ गया है। इतने सुंदर प्लांट्स आ गए हैं और हेल्दी भी हैं, किसी मिलीवर्म का अटैक भी नहीं हुआ है इस पे। पिछले बार हुआ था तो कुछ पेस्टिसाइड डाले थे, उसके बाद धूप खिली है तब से नहीं हुआ। ये बारिश में थोड़ा बहुत होता था। और ये जो दिख रहे हैं, ये तो अभी इतने बड़े साइज में ही लगाए थे मेरे सिस्टर में, सिस्टर ने लाए थे ये उसके गांव से। तो ये दोनों इतने बड़े साइज से लाए हैं, तो वो लगाए हैं, वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। ये लाइन में ऐसे पूरे क्रिजेंथेमम है। और कितना सुंदर लगेगा बाद में इसका अपडेट में, थोड़े जब फूल खिलेंगे तब डालूंगी, और जब पूरे फूल खिलेंगे नवंबर दिसंबर में, तब एक बार वीडियो बनाऊंगी और पोस्ट कर दूंगी। बहुत ही सुंदर, वैसे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि इसमें गोबर खाद है, और किचन वेस्ट जो होता है वो भी है, ज़्यादा मात्रा में गोबर खाद मिलाया हुआ है। मैंने पिछले बार बताया कि वो जो ड्रम है हमारे पास मम्मी के गार्डन में,
तो उसमें एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर जो है गोबर खाद की वैसे डाली थी, और किचन वेस्ट भी डाला था। तो किचन वेस्ट उतना नहीं था, गोबर खाद ज़्यादा थी। तो इसी की वजह से ही ये ऐसे हेल्दी प्लांट आ गए हैं। और मैं एक बताऊँ, मैंने पीछे एक वीडियो में भी बताया था कि मेरे प्लांट ऐसे नहीं आ गए हैं हेल्दी, क्योंकि मेरे जो मिट्टी है वो पुरानी ही थी और प्लांट भी पुराने ही थे। जैसे आ गए वैसे ही मैंने उसमें रहने दिया था। और ये जो है पूरा मिट्टी जो पॉट है पूरा निकाल के उसमें फिर से नए से मिट्टी भर के उसमें छोटे से पौधे लगाए थे, बारिश शुरू हो गई थी तब, और फिर भी उसकी ग्रोथ ऐसी हो गई है। और फ्रेंड्स, मैं भी अपने टेरेस गार्डन का जो व्यू है क्रिजेंथिमम का, तो वो भी दिखाने वाली हूँ। तो आप डिफरेंस जो है दोनों में वो आपको पता चल सकता है कि मेरे प्लांट्स कैसे और मम्मी के प्लांट्स कैसे क्रिजेंथिमम के। तो मैं भी अगले साल क्या करूँगी, एक साल जो है मिट्टी बना के रखूँगी उसकी कंपोस्ट बना के। तो एक लेयर मैंने जो बताई, एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर गोबर खाद की, और फिर नए से पौधे उसमें लगाऊंगी क्रिजेंथिमम के छोटे छोटे, और फिर मुझे भी ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप भी अगर क्रिजेंथिमम के ऐसे फूल चाहिए, ऐसी कलियां चाहिए, तो आपको भी कंपोस्ट ज़्यादा मिलानी है मिट्टी में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।